नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का आज दौरा। काशी विश्वनाथ और काल भैरव बाबा का दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री, और वाराणसी में बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यशाला का आयोजन, जिसमें शिरकत भी करेंगे। कार्यशाला में होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल। सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री की। यूपी में युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की बड़ी पहल है, और इसी को लेकर आज बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कार्यशाला में होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की बड़ी पहल। तो वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज, और ऐसे में आपको बता दें कि महत्वपूर्ण यह दौरा भी माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। काशी विश्वनाथ और काल भैरव बाबा का दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद वाराणसी में बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यशाला का आयोजन, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यशाला में शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर आज अधिकारियों के साथ में बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी का दौरा, क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय दौरा है काशी में, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में पधारेंगे तो वो सबसे पहले जो है पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर उनका लैंड होगा, और उसके बाद वो सीधे जो बाई रोड श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करेंगे। काल भैरव दर्शन पूजन करके सीधे जो है TFC कार्यालय, जो TFC ग्राउंड है, वहां पे कम से कम 1,500 की संख्या में युवा मोर्चा, जो कि अपने प्रदेश के जो युवा हैं उनको भारतीय जनता पार्टी या कहें कि संगठन से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे तमाम जो है अगल बगल के जिलों के भी युवा मोर्चा के और अनेक संगठनों के युवा जो है यहाँ पे एकत्रित होंगे, और यहाँ पे उसका कार्यशाला का प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र ये कहलाता है और अगल बगल के तमाम जो जिले हैं उनको जोड़ने के लिए, उनके उस जिले के युवाओं को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्यशाला लगाई गई है, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे करेंगे और विमोचन में शिरकत करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे 1,500 की संख्या में देखा जा रहा है कि आज जो है युवा कहीं ना कहीं यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदित्यनाथ से डायरेक्ट संवाद करेंगे यहाँ, तो विशेष ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। हालांकि एक दिवसीय दौरा ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, वहां से निकल TFC से जब कार्यशाला खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सीधे जो है सर्किट हाउस आएंगे, और सर्किट हाउस आने के बाद वहां पे आला अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि तो आगामी त्यौहार जो है देव दीपावली है, नवरात्र है, तमाम त्योहारों का भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेके आला अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे, और जितने भी पेंडिंग विकास कार्य है उसकी भी समीक्षा बैठक करेंगे। जी अमन, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को जोड़ने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बीजेपी की सदस्यता के लिए भी यहां पर जागरूक किया जा रहा है, ऐसे में वाराणसी की अगर बात करें, क्योंकि अभियान सभी जगह पर है और बीजेपी की तरफ से जो ये अभियान चल रहा है, इसका कितना असर लोगों में नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि तमाम जो वाराणसी जिले, वाराणसी मंडल माना जाता है, और ये विशेष हॉटस्पॉट इसलिए मानी जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद है काशी के, और अगल बगल के तमाम जो जिले रहते हैं वो काशी पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि यही से जो भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो मोर्चे हैं वो यहाँ से ही काशी से ही, क्योंकि काशी क्षेत्र कार्यालय भी वाराणसी में है आपके है रोहनिया क्षेत्र में, तमाम काशी क्षेत्र कार्यालय में जितने भी संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा हो, चाहे भारतीय युवा मोर्चा कोई हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मोर्चा हो, वो यहीं से हैंडल होता है, और तमाम अगल बगल के जिले भी, एक जिले के युवा एकत्रित होंगे आज, उनको भी संगठन में लेने का और सदस्यता ग्रहण कराने का ये कार्यशाला रखी गई है, जहाँ पे तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं अगल बगल जिले के भी और काशी क्षेत्र की जो तमाम पदाधिकारी है युवा मोर्चा के, वो वहाँ मौजूद रहेंगे और डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको संवाद करेंगे, और वहाँ पे
जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का तरीका बताएंगे। अमन सर्किट हाउस में बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस दौरान देखा है कि चाहे कानून व्यवस्था हो, हर एक पहलू पर, चाहे जनप्रतिनिधियों की बात करें कि आखिरकार जनता के बीच में किस तरीके से योजनाएं पहुंच रही हैं, या आप लोग जनता से कितना संपर्क कर पा रहे हैं, कितनी पैठ है आपकी जनता में, किन समस्याओं से आप रूबरू हो रहे हैं, हर एक चीज की बड़ी बारीकी से इस दौरान जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज बैठक है, क्या कुछ लगता है इस बैठक को लेकर? देखिए, विशेष मैं बता दूं कि जब कभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में आते हैं तो वो पहले बाबा का दर्शन करके सीधे सर्किट हाउस आते हैं, और यहाँ पे काशी में सर्किट हाउस आने के बाद वो आला अधिकारियों से समीक्षा बैठक करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के आला अधिकारी वहां पे मौजूद रहते हैं और सबसे शिकायत भी रहती है। यहाँ पे विशेष ये देखा जाता है कि सर्किट हाउस में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग अभियान चलता है, सफाई अभियान चलता है, तमाम जो अधिकारियों की शिकायत हुई रहती है उनको भी डांट फटकार कहीं ना कहीं यहाँ पड़ती है, और उसके बाद एक जितने भी पेंडिंग विकास कार्य हैं उनको कोई उनके लिए भी समीक्षा बैठक यहाँ पे होती है। आगामी त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ धाम है, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था बनती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम आला अधिकारियों से ठीक है। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का आज दौरा।